This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. ने मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर कर्नाटक चुनाव लड़े। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई जारी है। आजकल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार साहब और राजस्थान के कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट जी के सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का मामला हो या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जैसे फैसले, कई मुद्दों पर दोनों नेताओं ने परोक्ष रूप से भाजपा को सपोर्ट करते हुए अपना रुख जताया है। महाराष्ट्र में तो अगले साल चुनाव है, लेकिन इसी साल राजस्थान में भी चुनाव है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं सचिन पायलट। पहले सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, उसके बाद सिकंदराबाद तिरुपति और अब फिर चर्चा हो गई है शुरू। दो वंदे भारत गाड़ियां मिलने के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे में अब जल्द ही तीसरी वंदे भारत चलने के कयास लगाए जा रहे हैं। रेल विश्लेषक कह रहे हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद के काचीगुड़ा से बेंगलुरु तक एक नई वंदे भारत की प्लानिंग कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का राइट हैंड और वारिस पंजाब दे का नेता पप्पल पाल सिंह कल अमृतसर जिले के एक गांव में धरा गया। इस पर पुलिस ने 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। अब इससे कड़ी पूछताछ करके और लोगों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव होने को है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हर शहर जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उनके प्रचार के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि लगभग हर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुशासन वाला कार्ड खेला है और जल्द ही यूपी के तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान भी बनाया है। दिल्ली शराब घोटाला आरोपी के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया ईडी ने। जवाब में कविता ने कहा टूट गई है टांग, डॉक्टर ने कहा 3 हफ्ते का है बेड रेस्ट। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव के लिए जारी कर दिए है 52 उम्मीदवारों की लिस्ट। 8 महिलाएं हैं, 32 ओबीसी है, 30 दलित और 16 आदिवासी है लिस्ट में। लिस्ट में येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र का नाम भी शामिल है। अब तक कुल 189 लोगों को मिल चुके हैं टिकट। कश्मीर में होगी G20 की मीटिंग, खबर आते ही तिल मिलाया पाकिस्तान। कहा इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है विवादित क्षेत्र, ऐसे कैसे वहां हो सकती है इंटरनेशनल मीटिंग। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL को मिला है 9600 करोड़ का टेंडर। 80 वंदे भारत ट्रेन बनाने का मिला है कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले भी मालगाड़ी इंजनों का ठेका मिला था BHEL को। द हिंदू न्यूज़पेपर में सोनिया गांधी का आया लेख, लिखा मोदी सरकार ने कर दी लोकतंत्र की हत्या। CBI, ED और केंद्रीय जांच संस्थाओं के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेता, बदले की भावना से काम कर रही है RSS और BJP। अमेजन कंपनी ने पेश की अच्छी मिसाल, जॉब मेले में दिया ट्रांसजेंडरों को मौका। पैकिंग सेक्शन में लगी ट्रांसजेंडरों की नौकरी, लोग कर रहे हैं अमेजन कंपनी की तारीफ। तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी का आरोप, कहा मुख्यमंत्री KCR के आदेशानुसार 800 करोड़ की जमीन को सिर्फ 100 करोड़ में बेच दिया गया। जमीन खरीदने वाली पार्टी थी यशोदा हॉस्पिटल की मैनेजमेंट। आगे के समाचार आपको सुनाएगी पायल जी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फोन के बाद एक्शन में आए सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली के लिए रवाना हुए बिहार के सीएम खड़गे के साथ विपक्षी एकता पर कर सकते हैं मंथन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। येदियुरप्पा के बाद KS ईश्वरप्पा ने भी चुनाव न लड़ने का किया ऐलान। JP नड्डा को लिखी चिट्ठी। अरुणाचल प्रदेश पहुंचे अमित शाह का बड़ा बयान, बोले अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था,
है और रहेगा। अमित शाह के दौरे पर चीन ने जताई थी आपत्ति। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 311 अंकों की उछाल के साथ 60,158 पर हुआ बंद। निफ्टी 98 अंकों की तेजी के साथ 17,722 पर हुआ बंद। आ रही थी तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।